हाय गाइस, ये श्रद्धा पंडित एंड यू वाचिंग मी ऑन बोल बॉलीवुड। सो आजकल रील हम बहुत स्क्रॉल करते हैं, सो उसमें हमें कैची गाना लगता है, सो वी काइंड ऑफ गुनगुनाते रहते हो। एंड यू बीइंग अ सिंगर अगेन, आई हैव टू आस्क यू कि अपार्ट फ्रॉम जानू ना, ऐसा होता है कि एक गाना गुनगुनाते बैठे हो? अभी गाना हाल ही में आ रहा है सलीम सुलेमान का, मैंने लिखा है और उसको कहा है हमारे विश्व की दो सबसे बड़ी सिंगर्स श्रेया घोषाल और सुनीत जॉन। दैट हैज टू बी अ बैंगर। इट इज वाइल्ड। इसका बिगनिंग बहुत अलग है, इसमें रैप है, फिर एक अंतराज, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुली कंपोज्ड और बहुत अच्छा शूट हुआ है। भूमि 24 का गाना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सॉन्ग फॉर पीपल टू हियर। इट साउंड्स लाइक अ रियली गुड बैंगर। एंड आपने जिन सिंगर्स के नाम लिया वो तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब फेवरेट बेस्ट इन बेस्ट। सो अगेन, अभी जैसे जानू ना एक कम्प्लीटली जॉनर मतलब डिफरेंट है, एंड ये एक डिफरेंट है। हाउ डू यू मेक योर माइंड टू कम अप विद सच अमेजिंग सॉन्ग्स? जानू ना तो खैर मैंने कंपोज किया है, लिखा है, गाया है। छेला आई प्लेड द रोल ऑफ अ लिरिसिस्ट, आई थिंक जो बहुत मायने रखता है आज की दुनिया में, आज के टाइम पे, कि लिरिक्स ऐसे होने चाहिए कि वो कैची भी हो, फन भी हो, समझ भी आए और अलग हो थोड़े से। आप वही वर्ड्स नहीं सुन रहे जो बहुत सुन चुके हैं। पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया अराउंड श्रेया एंड सुनिधि, वो बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, कैट फाइट है दोनों में। दे आर सच गुड फ्रेंड्स, प्लस दे आर लाइक सिंगर्स हु एवरी सिंगर लुक्स अप टू टुडे। सो आई थिंक वो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो तो सलीम सुलेमान ने ऑब्वियसली क्रिएट किया सारा कुछ, बट इवन टू राइट ऑल दैट, कि उस चीज़ को कैसे सजाया जाए अल्फाजों से, वो आई थिंक वॉज अ ह्यूज चैलेंज, बट गॉड्स ग्रेस इट हैज टर्न्ड आउट ब्यूटीफुल, अमेजिंग। एंड आपने जैसे कहा कि अलग होना चाहिए, कैची होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग, बट आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, ट्रेंड होना चाहिए, देन ओनली इट इज़ अ मे बी इट इज़ अ मिसकंसेप्शन कि ट्रेंड हुआ तो चलेगा। डू यू फील दैट? नहीं, देखो ट्रेंड होना हिट होना एक ही बात है। गाना हिट होता है नहीं होता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। इट्स इम्पॉर्टेंट हो फॉर एवरी म्यूजिशियन, वो चाहता है अंदर से कि गाना हिट, चाहे वो मना करे पर वो चाहता है। लेकिन वो होना इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, गाना अच्छा होना चाहिए। गाना जब अच्छा होता है ना तो आपने एक सिक्सर तो मार ही दिया। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं जिन्होंने इसमें काम किया उनकी तारीफ करेंगे, सलीम सुलेमान, सुनिधि एंड श्रेया। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि गाना इस की कैस बहुत अच्छा गाना बनाया है और मज़ेदार गाना बनाया। तो द आई थिंक द बैटल इज वन। अब वो आगे ऑडियंस तक कितना क्रीपन करता है, पहुँचता है, उसको कोई ऐसी चीज़ पॉपुलर हो जाती है कभी या उतना पॉपुलर हो, वो तो किस्मत की बात है, वक्त की बात है, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बट गाना अच्छा बनना इटसेल्फ इज अ बेस्ट फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट। सो यू सेड दैट गाना अच्छा बनना, तो ऐसे भी कई बार हुआ है लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेनली वीकेंड से, कि गाने अच्छे ऑलरेडी बन चुके हैं 90s में, एंड नाउ वी कम अप विथ रिमिक्सेस, रीमिक्स। सो डू यू फील कि रिमिक्स मतलब वो एक अच्छा पार्ट है रिमिक्स बनना, या डू यू थिंक कि वो एक एसेंस ले जाता है ओरिजिनल गाने में से? इट्स अ क्रैपी आइडिया, गलत है, क्योंकि एक तो आप ऐसी चीज के साथ छेड़खानी कर रहे हो ऑलरेडी लोगों ने जिसपे एक मार्क छोड़ दिया है कि इससे अच्छा तो कोई नहीं सकता, लोग इंजॉय कर चुके हैं, प्यार दे चुके उस गाने को, लोगों का करियर बन चुका है उस गाने से, जो भी गाना यूजुअली आप उठाते हैं इज अ हिस्टोरिक सॉन्ग, राइट, ये उसने एक छाप छोड़ी है दुनिया के दिमाग में। अब आप उसको लेते हो फिर उसको टेढ़ा मेढ़ा करते हो, उसमें अपनी कॉम्पोजिशन घुसाते हो, फिर आई एम नॉट सेइंग पूरी होगी, बहुत भी अच्छी हो तो करना क्यों है, नया गाना बनाओ, नया गाना बनाओ। इतना टैलेंट है हमारे देश में, इतने लोग हैं, कंपोजर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, मतलब एक को उठाओ छः मिलेंगे। अब पर ढूंढना आना चाहिए और सही काम कर निकलवाना भी आना चाहिए लोगों को। सो वो अगर आप उसमें नहीं घुसोगे, यू वॉन्ट एन ईजी वे कि यार ये ले लेता हूँ ये हिट हो जाएगा, इनफैक्ट ख़राब हो जाता है। और जनता बहुत इंटेलिजेंट है, ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, आप एक अच्छी गाने को ख़राब करोगे आपको गालियाँ पड़ेगी, पढ़ते ही कई बार कमेंट्स हुए। तो मतलब श्रद्धा पंडित का सब बेस्ट ड्रीम कोलैब कौन सा रहेगा? अरिजीत सिंह, ओह वाओ, माय फेवरेट। सो उनका
कोई गाना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है? उनके सारे गाने पसंद, वो तो उनका अलग ही है, किस्सा ही अलग है उनका। उनका गला यहाँ पे मतलब इस वक्त पता नहीं क्या मशीन फिट की है ऊपर वाले ने, इतना परफेक्ट और इतना सोज और इतना सब कुछ है गले में, तो आई एम क्रेजी अबाउट अरिजीत। राइट, सो इंटरव्यू में जैसे हम अगर आपको कोई मैसेज देना होगा या अपने ऑडियंस को कहना होगा कि आगे आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनको, सो व्हाट वुड इट बी? एंड ऑल्सो कि मैंने नोटिस किया दैट इंस्टाग्राम पे इट इज़ ऑलरेडी ट्रेंडिंग, द सॉन्ग इज ऑलरेडी ट्रेंडिंग, या सो उसके बारे में क्या कहेंगे? जानो ना, ट्रेंडिंग मतलब मेरे लिए ऑब्वियसली इतने लोग ऑलरेडी उसको लाइक कर रहे, फील कर रहे हैं गाने को, समझ रहे हैं उसकी लिरिक्स को, उसकी इंटेंसिटी को, तो मेरे लिए इट्स अ विन विन ऑब्वियसली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा सवाल आपका था कि ऑडियंस को आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे? मैं बहुत अलग अलग टाइप के गाने गाने वाली हूँ अपने करियर में, देखिए आप आगे देखिएगा। पहले जो मेरा अभी हाल ही में गाना रिलीज हुआ मजबूरिया, जो एक सैड सॉन्ग था उसमें स्टेविन मैन और मैंने गाया, वो भी मैंने कंपोज किया था। वो एकदम एक ढोलक तबले का पैटर्न है और बहुत अलग टाइप का गाना है। फिर मेरा एक गाना आया था दूर ना रही, जो हाल ही में रिलीज हुआ, तुझसे दूर 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 ना रही, ये गाना बहुत अच्छा, इसका मुझे फीडबैक मिला। बट इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी हिप हॉप एंड पॉप, एंड इसमें मैंने थोड़ा R&B गाने की कोशिश की है। देन कट्टू जानू ना, जिसमें मैंने पूरा अपना टोन बहुत हस्की और बहुत सिंपल रखा है, मैंने विब्राटो तक नहीं डाला है गाने में, आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। तो मैंने उसकी गायकी का स्टाइल ही पूरा अलग गाने की कोशिश की। सो आई थिंक जितना मैं अलग अलग जॉनर्स में अपनी एक छाप छोड़ना चाहूँ, ट्राई करूँ, एटलीस्ट इट विल बी फन फॉर मी व्हाइल वर्किंग, इट शुड बी फन। ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू से दैट गाना जब ट्रेंड करा था, आई कुड कम अप विद अ रील एंड उसमें आई हैड टू सी द एंटायर म्यूजिक वीडियो एंड आई हैव टू से दैट आई हैव लव्ड द सॉन्ग सो मच। जानू ना, थैंक यू, दैट मीन्स सो मच टू मी, थैंक यू सो मच।